है कमाल, परी लोक और पृथ्वी लोक में खेला था मैंने ये खेल मेरे जुड़वा भाई डूबा डूबा एक के साथ, पर लगाया किसने आईना यहाँ पर भयानक लोक में है? है बनाया बुद्धू इसने मुझे यही अदृश्य आईना दिखा दिखा के कई बार, अब मिला इसको नहले पे दहला। अब बताइए बालवीर हे आगे क्या करना? डुबा डुबा एक, अब तुम्हें भयंकर परी को उसका सातवा और आखिरी रंगीन हीरा देना है। हाँ है वो तो पता मुझे, पर लाओगे कहाँ से इस वीरान भयानक लोग में आपको रंगीन हीरा? ये देखो मिल गया हीरा, पकड़ो। हे भटकाती परी, कर ऐसा करिश्मा, पत्थर बन जाए रंगीन हीरा। लो डुबा डुबा, अब ये नकली हीरा भयंकर परी को भ्रम में डाल देगा। डुबा डुबा, अब आगे का सब तुम्हें ही संभालना है। है ठीक, लूंगा मैं सब कुछ संभाल। चलिए चलो। महेश, ये माँ को क्या हो गया है? 30 साल पहले शर्मा जी के घर मैं कीचड़ वाली चप्पल पहन के घुस गया था, उसके लिए मुझे आज डांट रही है। महेश एक तो पापा को गुस्सा कम नहीं हो रहा, ऊपर से मैल मेरी जान के पीछे पड़ गई है। मानव, मानव! बाप रे, मैल यहाँ गई, मैं गया काम से। मानव, मानव! छुप जा मानव, छुप जा। बच गया। लग रहा है मुझे डर, संभाल ले बिन आप सब कुछ। हाँ डूबा डूबा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुमको एक गलती मत करना। हे डर उसी बात का, अगर हो गई गलती मुझसे और पता चल गया भयंकर परी को कि हूँ नहीं मैं तोबा तोबा हूँ मैं डूबा डूबा एक, तो गलती सुधारने का भी मौका नहीं देगी ये परी भयंकर मुझे। नहीं डूबा डूबा, तुम डरो मत, भयंकर परी अभी शक्तिहीन है और मेरे पास अभी भी एक शक्ति बाकी है, भटकाती परी की शक्ति, जिससे मैं भयंकर परी को भटका सकता हूँ। किधर जा रहा है? महेश,
महेश, छोड़ूंगी नहीं, आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं। 32 साल पहले गुप्ता जी के घर में उसने हाथ धोए बिना ढोकला खाया था। महेश को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मानव, मानव, ये तूने महेश को देखा? पापा को नहीं। दादी, आपने मानव को देखा? नहीं, पर अगर तूने महेश को देखा तो मुझे बताना। मैंने मानव को देखा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? पापा, आपका गुस्सा कम करने का और मेरे बचने का एक ही तरीका है, आप मेरे हाथ से एक और बांध लगवा लो, ताकि आपका गुस्से वाला इफेक्ट खत्म हो जाए। अच्छा, अब तू मुझे बांध मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा, फिर कल कॉलोनी में जाके तोप फोड़ेगा, फिर ऐसा ही, और फिर एटम बम। एक हीरा, बस एक आखिरी हीरा मिलते ही मेरी सप्तरंगी शक्तियां पूरी हो जाएंगी और मेरे रानी बनने का सपना भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर पृथ्वी लोक पर तबाही की मदद करो। करूंगा क्या मैं वहां जाकर? लाएगी हीरा तो वो तबाही और बनेगी प्रधानमंत्री। करूं क्यों मैं मेहनत मुक्त? जाऊंगा मैं तो तब, जब हरा देगा बालवीर उस तबाही को। लाऊंगा मैं तब हीरा अपनी बुद्धि और ताकत के बल पे, और बनूंगा मैं आपका प्रधानमंत्री। सब बेवकूफ, मार लो जितने भी थप्पड़, पर करके रहूंगा पता तबाही का राज तुमसे। बेवकूफ तो तुम थे ही, लगता है अब तुम्हारा दिमाग भी पगला गया है। बालवीर कभी तबाही को हरा नहीं पाएगा, तबाही मेरी बुराइयों से मिलकर बनी है। तो हुआ क्या? होता है अंत एक ना एक दिन सभी बुराइयों का, खात्मा कर देगा वो बालवीर, वो बालवीर आप पे तबाही का। नहीं कर पाएगा, क्योंकि बालवीर को ये नहीं पता कि जब तक तबाही की पीठ पर वार नहीं किया जाता उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो अब मुझे समझ में आया तबाही का राज। और बालवीर तो एक सच्चा और अच्छा बच्चा है, वो तबाही तो क्या किसी की भी पीठ पर वार नहीं करेगा। अच्छा, अब समझा मैं। क्या? यही है जो करना पड़ेगा करना, लाना पड़ेगा मुझे ही वो हीरा इसी वक्त अभी। वो हीरा कोई गाजर मूली नहीं है जो खेत से तोड़ के लेकर आओगे, उसके लिए तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर बालवीर से लड़ना पड़ेगा, समझे? नहीं करना पड़ेगा वैसा कुछ भी, लाया हूं मैं वो रंगीन हीरा। ये देखिए, तुम्हारे पास क्या है? कहां से लाए तुम? परी भयंकर, खाइए आप सिर्फ आम, मत गिनिए गुठलियां, कर लीजिए जल्दी से जागृत अपना चातुर दंड। क्या बात, तवा तवा, तुम ही मेरे सच्चे वफादार हो, अब मैं तुम्हें ही प्रधानमंत्री बनाऊंगी। Oh.
अब इस हीरे की शक्तियां मिल जाएंगी मेरे बाकी के हीरों से और पूरी हो जाएंगी मेरे दंड की सप्तरंगी शक्तियां। हो सकता है ये नकली बेवकूफ। दिखाई नहीं देता तुम्हें। अब तक तो हीरे सफेद हो जाने चाहिए थे और उनकी सप्तरंगी शक्ति से मेरा जादुई दंड जागृत होकर चमकना चाहिए था। परी भयंकर, कर लेते और थोड़ा इंतजार। परी भयंकर, अब देखिए जरा। है ये भयंकर परी वाकई में बड़ी भयंकर। जान बचानी है तो भागले डुबा डुबा। हे भटकाती परी, भयंकर परी को तू दे भटका, सफेद कर दे सारे हीरे और उसके जादुई दंड को तू दे चमका। तबा तबा, भाग डुबा डुबा भाग। तबा तबा, अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? नहीं नहीं, तबा तबा रुको। नहीं। अरे हीरो में से सप्तरंगी शक्तियां निकल रही हैं। शक्तियों से भरा हुआ जादुई डंड समझ रही हो, वो बिल्कुल एक साधारण लकड़ी का डंडा है, बिल्कुल एक लकड़ी का साधारण डंडा। अरे बाहर आऊंगा तो अटकूंगा, बाहर मत निकल। मैं तो मानव को पीट दूंगी। बाहर निकल। बाहर आऊंगा तो अटकूंगा। अरे ये सब है ना तेरी वजह से हो रहा है। तू यहाँ नहीं आता ना तो तेरी दादी मुझे सात जन्म तक ढूंढ नहीं पाती। हाँ दादी, सात जन्म क्या, सात सेकंड में तुझ जैसे शरारती को मैं ढूंढ सकती हूँ। हाँ मानव, मैं तुझे पीट दूंगी। महर एक मिनट। हाँ दादी, आप कुछ कह रही थी ना। हाँ, वो 30 साल पहले शर्मा जी के घर में कीचड़ वाली चप्पल पहन के घुसा था। बोल यार, मैं पीट। दादी आपका हो गया तो मैं इसे पीट दूं। बेटा तू बाद में पीटना, पहले मैं पीटूंगा इसे। मुझसे निपटना। ये माधुरी तुम ये। अरे एक मिनट, क्या हो रहा है? शांत हो जाइए आप सब। माजी आप तो चुप हो जाइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं, ये तेरे महेश के बच्चे ने आपका बच्चा। हाँ, वो मेरे बच्चे ने मेरा मन अशांत कर दिया है। महर के पापा आप तो समझ जाइए। हाँ मैं समझ जाऊंगा। हाँ। लेकिन पहले मैं इसे समझाऊंगा। पापा इसे समझाने की क्या जरूरत है, इसे तो पीट दो। हाँ। महर एक मिनट। हाँ दादी, आप कुछ कह रही थी ना शर्मा जी के बारे में। शर्म कर, शर्म, कितनी बार सुनेगा शर्मा जी की स्टोरी। बस अब आप कोई कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, इसे पीट दो। इसे? अरे इन्हें नहीं, इसे।
इसे इसे पीटो पीटो, मैं तो बोलता हूँ पीटो, सच्ची में पीटो इसको, पीटो रहता। अब मैं क्या करूं? देख क्या हुई वो बड़ी भयंकर, बढ़ाई अपना हाथ आगे और उठाई अपना जादुई दल। विनाश मचाने, ऐसा विनाश कि जिसका असर पूरे परीलोक तक होगा। हिल जाएगी रानी परी और सारी परियां। बताइए बालवीर, है आगे क्या करना? हूँ मैं तैयार। वाह डुबा डुबा, तुमने क्या चकमा दिया है भयंकर परी को, वाह। शुक्रिया डुबा डुबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाद में करना बालवीर, पहले बना दीजिए पहले जैसा मुझे डुबा डुबा। एक नहीं रहना चाहता मैं बन के ऐसे तोबा तोबा। हाँ अभी बनाता हूँ। हे भटकारी परी, कर दे फिर से करिश्मा, बना दे तबा तबा को डूबा डूबा। है लग रहा बच्चा। डूबा डूबा, इन छह हीरो ने मेरी छह शक्तियां सोख रखी है, अब मैं एक एक करके मेरी सारी शक्तियां वापिस लूंगा। जादुई डंड एक एक करके इन सारे हीरो में से मेरी शक्तियां सोख लेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।